मुझे आज भी याद है जब मैं नारियल और सीख के बने झाड़ू से घर आंगन की सफाई करता था, तो इन दोनों ही झाड़ुओं से आंगन तो ठीक से साफ हो जाते थे, लेकिन घर के कोने ढंग से साफ नहीं हो पाते थे। और जब कोनों की सफाई के लिए मैंने काम वाली बाई को रखा, तो पता है उसने क्या बोला? इतने पैसे सुनने के बाद मैं बेहोश बस होने ही वाला था कि तभी मुझे वैक्यूम क्लीनर का आइडिया आया और इससे मेरे लाखों रुपए भी बच गए। इसलिए समाज कल्याण करने के लिए मिस्टर टेकबुल आपके लिए लाया है वैक्यूम क्लीनर की फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। वैक्यूम क्लीनर मैन्युफैक्चरिंग के इस प्रोसेस में ज्यादातर पार्ट्स प्लास्टिक से बने होते हैं। इन प्लास्टिक को ऑटोमेटिक मोल्डिंग मशीन की मदद से क्लीनर के शेप एंड साइज में ढाला जाता है। इन पार्ट्स की मेकिंग के बाद अब इस वैक्यूम क्लीनर के मोटर को तैयार किया जाता है। ये मोटर पहले से ही किसी दूसरे प्लांट से बनी हुई आती है। वैक्यूम क्लीनर की फैक्ट्री में इसे बस अच्छे तरीके से असेंबल किया जाता है। क्लीनर में यूज होने वाले इस मोटर में दो फैन लगे होते हैं। एक फैन कोल्ड रिलीज करके खुद ही मोटर को साफ और ठंडा रखता है, तो वहीं दूसरा फैन वैक्यूम जनरेट करके कचरे को अंदर खींचता है। इस प्रोसेस के बाद मोटर को एक अलग प्लास्टिक के फ्रेम से अच्छी तरह से ढका जाता है, ताकि कोई लिक्विड इस मोटर के अंदर न घुस पाए और मोटर को ज्यादा नुकसान ना हो। मोटर को अच्छी तरह से ढकने के बाद मोटर पर वैक्यूम पाइप को भी कनेक्ट किया जाता है, जिस पर वैक्यूम ब्लेंडर को असेंबल किया जाता है। अब इन सभी असेंबलिंग मोटर्स को टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। इस टेस्टिंग में मोटर की स्पीड, फैन के रोटेशन के साथ साथ शॉर्ट सर्किट भी चेक किया जाता है। ये टेस्टिंग लगभग 10 मिनट की होती है। इस पूरे प्रोसेस के बाद फुल टेस्टिंग होने के बाद अलग अलग फैक्ट्री प्रोडक्शन में वैक्यूम ट्यूब्स को बनाया जाता है, जिसमें कचरा इकट्ठा होता है। जनरली इसको एल्यूमिनियम शीट और प्लास्टिक दोनों से बनाया जाता है। वैक्यूम ट्यूब के प्रोडक्शन के बाद प्रोडक्शन हाउस में इसके हेड की असेंबलिंग की जाती है, जिसमें सबसे पहले मोटर को हेड पार्ट से जोड़ा जाता है। इसके बाद इसके फैन ब्लेड को जोड़ा जाता है। इसमें दो ब्लेड होते हैं, जिसमें प्लास्टिक से बना ब्लेड सूखे कचरे को और एल्यूमिनियम से बना ब्लेड गीले कचरे को साफ करता है। फाइनली अब इस वैक्यूम बॉक्स की हेड असेंबली के बाद इन पर स्विच, वायर और छोटे बड़े हर पार्ट को असेंबल किया जाता है। और इसी के साथ एक अलग प्रोडक्शन लाइन में तैयार हुए इसके फ्लोर वॉशर को भी इसमें इंस्टॉल किया जाता है। अब वैक्यूम क्लीनर और फ्लोर वॉशर की फाइनल टेस्टिंग के बाद इसे पैकिंग यूनिट में भेज दिया जाता है, जहां इसे फैक्ट्री के वर्कर्स हाथों की मदद से ही पैक कर देते हैं और भेज देते हैं बड़े बड़े स्टोर रूम में, जहां से बाद में ऑर्डर्स के हिसाब से इसे अलग अलग मॉल्स, शोरूम्स या दुकानों में भेज दिया जाता है, जो हमारे घर और आंगन को सुंदर बनाकर गांधी जी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने की कोशिश करता है। वैक्यूम क्लीनर की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप मिस्टर टेकबुल पे अगली वीडियो में किस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखना चाहते हैं, आप चाहे तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।